आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मच बेटर। प्लीज प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं तो फिर एक नर्स के हैसियत से काम करने के लिए तैयार हो गई मैम? मैंने आपसे उस वक्त कहा था मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। हाँ फिर भी, बट यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों। अनुपम जी, डॉक्टर होने की हैसियत से मैंने हर जगह कोशिश कर ली थी। अगर यहां भी मैं कह देती कि मैं डॉक्टर हूं तो मुझे ये भी नौकरी नहीं मिलती। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अब से आप यहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रहेंगी। नहीं अनुपम जी, मैं नर्स हूं, मुझे नर्स ही बने रहने दीजिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। खैर आप बाहर आके नाश्ता कर लीजिए, आपको इंजेक्शन लगाने हैं। लेकिन डॉक्टर, आप श्रुति जी, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अनुपम जी, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। मान लीजिए अगर मैं आपके घर की एक सदस्य होती तो क्या आपको बुरा लगता? नहीं ना। फिर भी अगर मेरा यहाँ नर्स की हैसियत से काम करना आपको पसंद नहीं है तो मैं नौकरी छोड़ सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस जानना चाह रहा था कि अगर आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत हो तो मैं। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत मुझे महसूस होगी तो मैं खुद आपको कहूंगी। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए, देर हो रही है, आपको इंजेक्शन लगाने हैं। थैंक यू डॉक्टर श्रुति। डॉक्टर श्रुति नहीं, सिर्फ श्रुति। ओके। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं मेरा बेटा? पहले जैसा ही है, अभी तक बेहोश है। भाजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप आराम से बैठिए। मैंने तय किया है कि अब हमें ज्योति को किसी महफूज जगह पे ले जाना होगा। अच्छा ठीक है, देखो मेरा एक दोस्त गोवा में रहता है, ज्योति को वहां भेज देते हैं। बिल्कुल नहीं, गोवा में बिल्कुल नहीं। अरे जिस बात को हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसे तुम जग जाहिर कर रहे हो। प्रीति अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन गोवा में नहीं, मैं संकल्प से बात करती हूँ। नहीं प्रीति, देखो श्रुति भी अब वहां पे नहीं है। देखो आंटी को परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले मैं भी वही सोचा करती थी, लेकिन अब मैंने तय कर लिया कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। प्रकाश, मेरे ख्याल से प्रीति ठीक कह रही। ठीक है फिर, जैसे तुम लोगों की मर्जी। हेलो बेटी, आकाश का होश आ गया है। माँ जी, सुबह सुबह आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी। हाँ नूपुर, संकल्प कहाँ है? मैं अभी उन्हें खबर करती हूँ। बेटी ये लोग मुझे आकाश के पास जाने नहीं दे रहे हैं। माँ जी वो अभी अभी होश में आया ना, इसलिए। हाँ अच्छा,
फोन रखती हूँ, तुम लोग जल्दी आना, ठीक है? जी। हाँ आस्था, बोलो। आकाश को होश आ गया है। गुड। तुम अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा देता हूँ। आप नहीं आएंगे? नहीं आस्था, मेरा अभी यहाँ से निकलना मुश्किल है। तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जी। आस्था, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ माँ जी? तू अब भी इस घर को अपना नहीं समझती। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये घर ही तो मेरा सब कुछ है। झूठ बोल रही है तू। हॉस्पिटल जा रही है, पता नहीं कब पैसे की जरूरत पड़ जाए। तूने मुझसे पैसे नहीं मांगे? माँ जी, मेरे पास पैसे थे। अच्छा, देख, आकाश की माँ को पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो तुझसे कुछ कहेगी नहीं। ये कुछ पैसे हैं, तू संभाल लेना। तो जा, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो माँ जी, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ प्रीति, बोलो। आई एम सॉरी माँ जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपको बिना बताए कोई उपाय भी तो नहीं था। हाँ बोलो ना, क्या बात है? दरअसल माँ जी, बड़ी मुश्किल से हमने उसे छुड़ाया है। किडनैपर बहुत ही खतरनाक है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कौन है वो? ज्योति का कोई पुराना प्रेमी है, जेल से छूट कर आया है। बहुत डर लग रहा है हमें। खैर, तुम ज्योति को लेके यहाँ आ जाओ। दरअसल मैं पूछने वाली थी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कल हम आ जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, श्रुति का कुछ पता चला? मैं इस बारे में पूछने वाली थी आपसे माँ जी। एक्चुअली मेरी मामा जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कहाँ है इस बारे में तो उनको भी नहीं पता। वैसे एक बार यहाँ फोन आया था। संकल्प और आस्था कैसे? बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है फिर माँ जी, कल हम आ रहे हैं। हाँ अच्छा। हाय। हाय। I'm sorry, मैं ऐसे आपको डिस्टर्ब करने चला आया। It's okay. कहिए। मैं सोच रहा था कि अगर कहीं बाहर चल के कुछ खाया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, आई मीन घर पे भी मंगाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ और मैं नहीं चाह रहा था कि आप भी इस तरह किचन में, you know. पहली वजह तो जायज है, लेकिन दूसरी बेमतलब। मैं अपने लिए तो खाना बना ही रही हूँ, अगर दो रोटी ज्यादा बना लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो बात नहीं है, लेकिन इस वक्त वो क्या ना, रोटी वोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। आपके कहने का मतलब ये है कि आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? अरे अरे, ऐसा मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो होता ना, कभी कभी बाहर जाने का दिल करता है, कुछ अलग खाने का दिल करता है। आपका नहीं करता? ठीक है, चलिए। That's great. मैं जरा तैयार हो जाता हूँ, ठीक है? जी। बेटा देखना, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं माँ जी, जरूर कोई वजह होगी।
लेकिन एलेक्स और रॉबर्ट दोनों साथ में आएगा, उस दिन पता चले कि दोनों एक ही हैं। आप इतने खुश मिजाज हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था कि आप बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान हैं। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। पेट में बल पड़ गए? अरे पेट में तो बल तब पड़ता है जब पेट खाली हो। अभी अभी तो आपने खाना खाया, ठीक से नहीं खाया क्या? मनाऊं क्या? आप प्लीज और कोई पंच मत मारिएगा। पंच बोले तो हम लोग बॉक्सिंग तो नहीं लड़ रहे, मैंने पंच कब मारा? आई मीन टू से, आप और कोई जोक मत कीजिएगा, मुझे और हंसा नहीं जाएगा। पानी पीजिए। आज बहुत दिनों बाद हंसी है। मुझे तो लगा था कि अब जिंदगी भर कभी हंसी नहीं पाऊंगी। अब हंसती हुई बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी कभी हंस नहीं पाऊंगा। आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड एट माइसेल्फ कि मैं इस तरह से एक बात कहूं श्रुति जी? जी? आप कितना भी छुपाइए लेकिन मुझे पता है कि आप अपने मन में कोई दर्द दबाए हुए हैं। कौन कौन रहता है आपके घर में? जी, मामा है, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि दर्द बांटने से आपका मन हल्का हो जाएगा तो बेझिझक आप मुझसे आके कह दीजिएगा। देखिए, अगर आप मुझे कुछ भी ना बताएं तो भी मुझे पता तो है कि आप इस शहर में अकेली रहती हैं, और यहां हमारे घर आने से पहले आप गेस्ट हाउस में थी, और मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं। आपको पता है श्रुति जी, इस शहर की एक खासियत है, इस शहर में बहुत भीड़ है लेकिन इस भीड़ में हर कोई अकेला है। आपकी जो कोई भी मजबूरी हो जिसकी वजह से आप इस शहर में आई, मैं वो जानना नहीं चाहता, लेकिन ये बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपको नहीं लगता कि ये एटमॉस्फेयर बहुत सीरियस हो गया? हाँ, हमें वो बॉक्सिंग मैच दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। मैं पंच मांगता हूं दोबारा। Would you like to have a sweet, sweet dish? Of course. Waiter, क्या लेंगे आप? You like souffle? You have chocolate souffle? You like souffle? Chocolate souffle, दो, quick. पूरा चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। दो बड़े-बड़े ऑपरेशन करने होंगे, और सर्जन बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। आप तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। पर डॉक्टर शंकर। देखिए डॉक्टर गोखले, पैसों की चिंता मत कीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ऑल राइट। इसको लेफ्ट समझ में आता था, ना राइट समझ में आता था। सर आपको बड़े साहब बुलाए। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द इवनिंग। आप जाइए अपने कमरे में। जी। आपने मुझे बुलाया? हाँ। तुमने क्यों उसे रखा है? मैंने तो इसे मना कर दिया था। डैड, वो नर्स जो कोई भी हो, वो थी तो मेरे लिए ना।
वो यहां मेरे साथ रहती, इसलिए क्या ये जरूरी नहीं कि वो नर्स मेरे पसंद की हो? हाँ, तुम्हारी पसंद क्या है वो तो मैं देख ही रहा हूं। देख रहे हैं डैड, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप तो यहां पर रहते नहीं, अब मां मां है नहीं, और कोई यहां रहता नहीं है। मेरा दम घुटता है यहां पर, इसीलिए तुम्हें एक ऐसी नर्स की जरूरत थी। जी हां, मुझे ऐसे ही नर्स की जरूरत थी जो जरूरत पड़ने पर मेरी दोस्त भी बन सके। ये जानते हुए भी कि तुम बीमार हो, क्यों बार बार आप मुझे मेरी बीमारी का एहसास दिलाते रहते हैं? मैं जानता हूं कि मैं मर रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक तो मुझे जिंदा रहने दीजिए। दूसरों को क्यों तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हो? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी की भावनाओं के साथ खेलो। मैं किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा हूं डैड। भावनाएं, आपने कभी मेरी भावनाओं की फिक्र की, परवाह की है कभी? आप चाहते हैं कि मैं घुट घुट कर मर जाऊं? नहीं, ये मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि तुम किसी के दिल में अपने लिए आशा जगाओ। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, श्रुति एक बहुत ही समझदार लड़की है और उसे मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ पता है। और आप, अगर मैं दो पल किसी के साथ हंस बोल लूं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। इससे तो अच्छा है कि कल मरने के बजाय आप मुझे जहर देके आज मार दीजिए। कम से कम रोज रोज इस मौत के डर से मुझे छुटकारा तो मिल जाएगा। सबसे अलग हो, एकदम अलग, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई, अगर एक दिन अचानक तुम्हें सब कुछ याद आ गया, तुम्हारा गांव, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा भैया, और उन लोगों ने अगर मुझे पसंद नहीं किया तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भी मुझे नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी।